हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो मुझे पता है, टाइटल से आपको पता चल चुका है। आई एम गोइंग टू शेयर फाइव जॉब प्रोफाइल्स विच यू कैन ऑप्ट विदाउट नोइंग कोडिंग एंड यू कैन अर्न अ रियली रियली गुड सैलरी। स्काई इज़ नॉट अ लिमिट व्हेन वी टॉक अबाउट सैलरी एंड ऑल्सो कैन मेक अ सक्सेसफुल करियर विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, राइट? सो आई एल जस्ट ब्रीफ मी अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट सो दैट आई कैन गेन अ ट्रस्ट, मैं आप पे ट्रस्ट गेन कर सकूँ। So my name is Sakshi, my education is BTech computer science and now I am working successfully in a global within global MNC as an HR. So I had worked with startups, I had worked with these mid-level firms and now I am working with MNC. So yes, I have little knowledge जो मैं आप लोगों से share कर सकती हूँ, जो मुझे तब नहीं थी जब मैं BTech में थी। शायद होती तो मेरे को और ज़्यादा idea होता कि मैं life में क्या कर सकती हूँ। जो हमें नहीं होता है जब हम BTech में होते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर आपने बीटेक करा तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट यार। कभी कभी क्या होता है कि हमें नॉलेज ही नहीं होती आफ्टर ट्वेल्थ कि हमें क्या करना है और क्या करियर है। आई वॉज़ फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, तो मुझे लगता था मेडिकल वाले सिर्फ डॉक्टर बनते हैं और जो जिन्होंने PCM लिया है वो इंजीनियर बन जाते हैं। मुझे यही नॉलेज थी, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग चुनी एंड आई वॉज़ नॉट वेरी लकी। और सब इतने लकी नहीं होते कि बीच में से अपना एजुकेशन छोड़ के कुछ और ऑप्ट कर लें। सो येस, वेन आई कम्प्लीट माई बीटेक आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज कि अब मुझे क्या करना है, बट फॉर्चुनेटली आई रियलाइज कि अगर मैं टेक्निकल में जाऊँगी आई नॉट एबल टू ग्रो दैट मच। ओके, मूविंग ऑन द अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज मैं आपको तब बोर नहीं करना चाहती हूँ, विल डायरेक्टली मूव टू अपॉर्चुनिटीज। फर्स्ट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, अब आप सोच रहे कि डिजिटल मार्केटिंग, हमें तो मार्केटिंग आती ही नहीं है। दैट इज़ ओके, डिजिटल मार्केटिंग मैं लोग अब ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल बंदे ही ज़्यादा ढूंढते हैं, बिकॉज उसमें भी थोड़ा टेक्निकल नॉलेज की, थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती ही है, राइट? सो कंपनीज आर मोर इंक्लाइंड टू टेक्निकल बैकग्राउंड पर्सन रेदर देन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड पर्सन। सारी ऑर्गेनाइजेशन अब मूव कर रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग को छोड़ के, यू नो, डिजिटल मार्केटिंग को की तरफ। वाई? बिकॉज देयर दे फाइंड देयर टारगेटेड ऑडियंस, और वही तो इम्पॉर्टेंट है। मार्केटिंग होती ही क्यों है? अपने ऑडियंस के लिए, राइट? तो वो वहाँ पर ज़्यादा टारगेटेड ऑडियंस ढूंढ पाती है, वो भी कम अमाउंट में ना। सो बट अभी ये लोग मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, राइट? सो दे आर लुकिंग फॉर गाइज, दे आर लुकिंग फॉर यू गाइज, फॉर दे आर वेलकमिंग यू गाइज इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर गिविंग ट्रेनिंग। आपको ट्रेन करेगी और आपके जॉब में आपको भेजेगी। सो दिस इज़ रियली गुड। अगेन यू कैन गेट आर ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो। देर आर सो मैनी यू नो ट्रेनिंग सेंटर्स जो ट्रेनिंग देते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। देर आर सो मैनी कोर्सेज, सर्टिफिकेट्स जो आप ले सकते हो बिफोर ऑप्टिंग दिस करियर, और यू कैन गो डायरेक्टली। इट्स टोटली डिपेंड्स। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स, वॉट इज सेल्स? हमको सेल्स से यही लगता है वी हैव टू गो डोर टू डोर, स्टेप डोर टू डोर एंड वी हैव टू सेल्स अ प्रोडक्ट। नो, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्राइज सेल्स। सो एंटरप्राइज सेल्स होता क्या है? इंटरप्राइज सेल्स में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक प्रोडक्ट है और उसका सर्विस है, आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को सेल करना होता है। इट्स अ वेरी डेजिग्नेटेड जॉब गाइस। लोग सेल्स को ऐसे बदनाम कर रहे हैं। इट्स अ वेरी डेजिग्नेटेड जॉब और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी कैसे, राइट? इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्स इज अगेन अ रियली गुड जॉब इफ यू आर रियली वॉन्ट टू डू इट, एंड पीपल आर रियली मोर इंक्लाइंड टू टेक्निकल पर्सन, बिकॉज IT ऑर्गेनाइजेशन में IT प्रोडक्ट हुआ, यू नो, तो टेक्निक उनको ऐसा लगता है, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है एक IT बैकग्राउंड वाला बंदा ज़्यादा अच्छे से उनका प्रोडक्ट सेल कर सकता है बिकॉज ये है मोर नॉलेज। तो आप इसमें भी जा सकते हो। दिस इज़ द अगेन सेकेंड ऑप्शन विच आई गिव सेल्स। मूविंग टू थर्ड। थर्ड इज SAP। वाई SAP? सो आई वॉज वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशन जो पर्टिकुलरली SAP में थी, और मुझे उससे पहले ये लगता था कि SAP के लिए आपको कोडिंग और ये सब का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच वॉज अ मेथ अगेन। SAP के लिए, आई एम सॉरी, मैं बाहर बना रही हूँ। SAP के लिए इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप, देर आर सो मैनी मॉड्यूल्स इन SAP, ओके, एंड देर इज़ वन ABAP जिसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज आना चाहिए। उसके अलावा देर आर फंक्शनल मॉड्यूल्स, और उसमें से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। यू कैन मेक योर करियर डायरेक्टली। ऑर्गेनाइजेशन आर हायरिंग फ्रेशर्स, तो आप फ्रेश एज अ फ्रेशर भी जा सकते हो। स्टार्टिंग माइट बी, अगेन सैलरी विल बी लेस रेदर देन योर, इफ यू कंपेयर विद योर टेक्निकल फ्रेंड कि यार उसकी सैलरी तो ज़्यादा है। येस, योर सैलरी विल बी लेस बिकॉज यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम
दैट बैकग्राउंड, या तो आप ट्रेनिंग कर लो, माइट बी देन यू कैन गो फॉर MNCs और दे हैव अ डीसेंट सैलरी. बट अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो और आप नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो जहाँ पर आप बिल्कुल बेसिक और फ्रेशर से स्टार्ट कर रहे हो, देन येस द सैलरी विल बी लेस, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स यू विल गेट अ वेरी हैंडसम सैलरी और आपका करियर बहुत सक्सेसफुल होगा, ट्रस्ट मी. सो दिस वॉज द थर्ड अपॉर्चुनिटी विच इज SAP. विल मूव टू फोर्थ अपॉर्चुनिटी विच इज बिजनेस डेवलपमेंट. वॉट इज बिजनेस डेवलपमेंट? सिमिलर लाइक सेल्स? नो. इन बिजनेस डेवलपमेंट आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है करेंट एग्जिस्टिंग बिजनेस से. ये मुझे सच में नहीं पता था, मुझे लगता था सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट सब सेम ही होता है और ये क्या होता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता था. बट येस, आपके पास एक करेंट अपॉर्चुनिटी होती है, उसी अपॉर्चुनिटी, एक करेंट बिजनेस होता है, उस बिजनेस से आपको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है. दिस इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट. अगेन, इम्पॉर्टेंट बैकबोन और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेटेड जॉब, एंड येस अगेन इन सैलरी देर इज नो लिमिट, देर स्काई इज नॉट अ लिमिट इफ यू टॉक अबाउट सैलरी एंड इफ यू आर गुड इन दिस थिंग. ओके, वाई आई एम नॉट गिविंग एनी एवरेज थिंग? बिकॉज मैं हमेशा यहाँ की बात कर रही हूँ, यहाँ पर आपसे इंडिया सेल्स और सक्सेसफुल पीपल. प्रैक्टिकली मैंने जो भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ. सो एवरेज की हम बात नहीं करेंगे, वी हैव टू शूट मून सो दैट एटलीस्ट वी कैन शूट स्टार्स. विल नॉट गो टू एवरेज. आपको वो करियर देखना है जहाँ पर आप सक्सेसफुल बन सकते हो, वेयर आफ्टर 4 to 5 years यू फील येस आई चूज अ राइट जॉब. ओके, और एवरेज के लिए यू कैन रेफर गूगल, या गूगल देखता है, मैं भी वहीं से एवरेज देखूंगी. इतना मेरे पास भी एवरेज आइडिया नहीं है तो मैं भी वहीं से ही देखूंगी. तो आप भी गूगल से चेक कर सकते हो एवरेज CTC इफ़ यू आर रियली विलिंग टू. ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट. बिजनेस डेवलपमेंट में भी दे आर लुकिंग फॉर अगेन टेक्निकल पर्सन, टेक्निकल बैकग्राउंड पर्सन, बिकॉज यू नो आप तभी वो अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा बढ़ा सकते हो जब आपको टेक्निकली आइडिया हो. वी आर टॉकिंग अबाउट IT ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नेक्स्ट विल मूव टू आर फिफ्थ अपॉर्चुनिटी, दैट इज अगेन HR. HR इज अ बैकबोन. यार हमने BTech में भी एक हमारा होता था ना, एक सब्जेक्ट होता था yes, तो वहाँ से ये तो आप सबको पता ही होगा कि इट्स अगेन बैकबोन. थोड़ा आपको वीडियो से लग रहा होगा रंगोली बनाना इज अ बैकबोन थिंग, नो, देयर आर सो मैनी थिंग्स विच HR. ओके, सो आई नो कि हाउ मच पीपल आर लविंग टेक्निकली टेक्निकल साउंडेड पर्सन इन रिक्रूटमेंट. दे आर लुकिंग फॉर समबडी जो टेक्निकल साउंड करता हो, जिसको पता हो टेक्नोलॉजी के बारे में, बिकॉज दैट गाय कैन हायर अ राइट मैच फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो दीज वर द 5 अपॉर्चुनिटीज विच आई डिस्कस्ड. यू कैन ऑप्ट एनी वन, और इफ यू वॉन्ट टू गो इन डीप यू कैन टेल मी, यू कैन कमेंट मी, आई कैन गो फॉर इट. मैं उसमें भी वीडियो बना सकती हूँ. और इफ़ यू वॉन्ट नॉलेज इन अदर थिंग यू कैन कमेंट मी एंड आई ट्राई टू मेक अ वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर ज़रा से भी आपको लगा हो आपके लिए हेल्पफुल हुई है, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट. इट विल मोटिवेट मी टू मेक सिमिलर काइंड ऑफ वीडियो. मैं ऐसी और वीडियोज़ बना सकूँ, उसके लिए थोड़ा मोटिवेशन यार चाहिए होता है. तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट एंड शेयर. ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड गो माई फर्दर वीडियोज़. एक्चुअली मैं कैसी हूँ अदर देन नॉलेज ट्रांसफरिंग के अलावा भी, वो आप देख सकते हो. यू कैन गो एंड ट्रांसफॉर्म, यू कैन सी माई अदर वीडियो एंड शेयर विद समबडी हु यू नो जो BTech कर रहा है एंड ही नीड दिस. बिकॉज अगर अभी हमें राइट पाथ पता चल जाता है ना, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, सी यू सून.